अभी यार भैया मैं काम के लिए यार ऊपर मुखिया के साथ मिलने के लिए भी जाएंगे, ताकि यार हम थोड़ी बहुत काम करके यार डायमंड वायमंड एकदम कमा पाए। वैसे मैं देखेंगे बाद में, अभी तो मैं जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने के लिए, कुछ खाना भी तो होगा रात में, ये ब्रेड व्रेड खा खा के मैं पक चुका हूँ। चलो मैं एकदम मछलियाँ पकड़ने के लिए चलता हूँ। तो चलो तीन मछलियाँ मार लेता हूँ, मेरे लिए एक, आगे कल के लिए एक और ये कल के लिए एक। लेकिन अभी घर जाके मैं क्या करूँगा, अगर तो ऊपर मुखिया को मिलने के लिए गए हैं। चलो इधर नाव है, चलो हम नाव में सवारी करते हैं, दूर दूर तक जाके एकदम इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। आप मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा। मुझे घर कब तक मिलेगा? मुझे मरूंगा तो नहीं। चलो यार अंदर तो आ गए, लेकिन बुड्ढा किधर है भैया? ओए यार बुड्ढा अभी तक घर नहीं आया क्या? अरे यार भैया घर में होता तो दिखाई देता ना। कौन है मेरे घर के अंदर? जो भी है बाहर आ जा। कौन है? हैं? मेरे बिस्तर में सोने का हिम्मत तेरा हुआ कैसे? ये ले। हे भैया मुझे चिंता हो रहा है सिंचाई का, कहीं सिंचाई को कुछ हो ना जाए भैया। बेटा चिंता तो मुझे भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे। बाहर हर जगह जॉबिस है और हम अंदर ही फंसे हैं, बारिश भी हो रहा है, रात भी है। ओए करे तो करे क्या बुड्ढा? ठीक है तो भैया मैं जा रहा हूँ सिंचाई को ढूंढने के लिए, खाना ले रहा हूँ इधर से, मैं आऊंगा तो अब सिंचाई को लेकर ही। ओए पागल बदमाश बाहर तुझे देखा था ना चौबीस को? अरे भैया यार चौबीस से डर के क्या आप इधर ही बैठे? अपने बुड्ढा को यार एकदम मरने दे क्या भैया? ओए मेरा एक बुड्ढा नहीं मिल रहा है, और बुड्ढा मैं तुझे भी खोने नहीं चाहता। ओए तुझे जाना है तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, चल दो भाई मिलकर सिंचाई को ढूंढते हैं। और ऐसे ही जाएंगे नहीं, ओए जाना ही है तो अब तेरा भाई असली खजाना निकाल के जाएगा। अरे भैया यार आपका मतलब क्या है? ओए चुपचाप बैठ, पहले आगे पीछे देख कोई गांव वाला तो नहीं है। अरे यार भैया इतना रात है, बार बारिश हो रहा है, कौन से गांव वाला आएगा इस पर? और आप ये क्या सोच रहे हो अंडरग्राउंड से जाएंगे तो कब निकलेंगे? इधर तो चेस्ट है भैया। ओए इसीलिए मैं खुदाई कर रहा था इसी चेस्ट के लिए बोलना, देख ले सब कुछ एकदम डायमंड का है, अगर ये पहन के जाएंगे तो बाहर जो भी इसका एकदम खात्मा कर देंगे। भैया लेकिन ये सब आपको मिला कैसे? ओए तू पहन तो सही पहने, ओए लग रहा है एकदम तासू। हाँ भैया लग तो एकदम तासू लग रहा है, लेकिन यार मिला कैसे भैया? ओए बेटा ये एकदम राज की बात है। हे भैया भूलिए ना, ओए यार मैं तो घर का सर सफाई कर रहा था और मुझे ये मिल गया। अरे यार भैया इसमें कैसा राज की बात हो गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ भैया, लग तो एकदम धासु लग रहा है। अरे यार अब तो कोई आगे आएगा तो सीधा उसका हड्डी पसली हैक कर देंगे। तो चलिए भैया आप देरी किस बात की, ओए तो चल मुंडा दरवाजा खोल, ओए आगे पीछे हैक कर, ओए जो भी आगे आओ तुम लोग का गर्दन ऐसे की तैसे कर दूंगा। ओए डर के मारे लग रहा है, कोई नहीं है, ओए तेरी तो छुटके, ओए निकल जाए नशे। ये सब करने के लिए अभी टाइम नहीं है भैया, जल्दी से यार बुड्ढा को ढूंढते हैं। ओए ढूंढेंगे ना बुड्ढा को, वही तो कर रहे बुड्ढा। ओए यार लेकिन मिलेगा किधर वो? अरे यार भैया दोपहर को वो मछली पकड़ूंगा बोल के गया था तो यार मछली पकड़ने के लिए वो इसी तालाब में तो आया होगा। और यार भैया इधर देखिए, इधर दो बोट हुआ करता था, इधर सिर्फ एक बोट है, मतलब कि भैया यार सिंचाई इधर से जरूर बोट लेके चला गया होगा। और यार भैया वो रास्ता एकदम भटक गया होगा इसलिए घूम गया होगा भैया। ओए यार यही हो सकता है, लेकिन ये इसके लिए तो पीछे पड़ गए। ओए हम भी वो नाव लेके चले जाते हैं, लेकिन ओए इनकी ऐसी तैसी, ओए ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे, इनकी ऐसी तैसी करना होगा भैया, और जैसे भी करके वो नाव लेकर इधर से जाना होगा। ओए लेकिन जाए कैसे, तीन तीन स्केलेटन पूरे इधर पेरा दे रहे हैं, ओए इसकी तो यार तीन बार से जा रहा है ये लोग। ओए यार एकदम इसको तो पानी में जाके मारू क्या? अरे यार भैया ज्यादा भी नजदीक मत जाने का। और यार एक चौबी के बच्चे ने उधर यार भैया नाव को भी कब्जा कर लिया है। अब भैया लगता है हमें एकदम पहाड़ों के रास्ते से यार जाना होगा, एकदम नदी के किनारे किनारे हो गए भैया, क्योंकि ये लोग हमें नाव में तो कभी नहीं बैठने देंगे। ओए कैसे नहीं देंगे, इनका बाप का है ये नाव। अरे यार भैया इनके आगे बाप था भैया, इनके आगे तो भैया यार कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ इधर से भागना ही होगा, पीछे से क्रीपर भी आ रहा है। है भैया यार इधर मर जाएंगे हम। ओए मरेंगे कैसे, मरे मेरे दुश्मन। ओए ऐसे डायमंड आर्मर पहन के भी भागना पड़ रहा है। ओए रुक जाओ तुम लोगों का तो, एक बार मेरे बुड्ढा मिल जाए उसके बाद लौट के आऊंगा, तुम लोग की ऐसी की तैसी करूंगा। चल बुड्ढा इधर से किनारे किनारे होके जाएंगे आगे अब सिंचाई को ढूंढने के लिए। ओए फिर से ये बारिश शुरू हो गया। हाँ भैया शुरू हो ही जा रहा है, ना जाने सिंचाई क्या कर रहा होगा इतने बारिश में भैया। ओए अब तक तो हमारा हालत देख के लगता है मर ही गया होगा। भैया क्या ही बोल रहे हो आप?
यार मैं तो बचा कर राजा हूँ ना। है भैया यार, ऐसे वक्त में भी आपको बचा कैसे सूझता है? ओए ऐसा हालत हो चुका है कि बुड्ढा कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या ही बोल रहा हूँ। ओए आगे देखा क्या बुड्ढा तूने? ये तो बोट है। ओए हाँ भैया, ये वही बोट है जो यार हमारे किनारे में हुआ करता था। मतलब कि सिंचन भैया यार इधर तक तो आया ही है भैया। और वो यार भैया अगर लौट के आता तो ये बोट लेकर चला जाता। मतलब कि भैया ये इसी ठंडी बर्फीली जगह में किधर तो गुम हो गया है। है भैया यार, मुझे अभी तो हाल चिंता हो रहा है। ओए चिंता करता क्यों है? ओए हमें सबूत तो मिल गया कि बुड्ढा इधर ही बोल के। ओए यार ये घोड़े, ओए ये तो यार बुड्ढा एरो मार रहा है इसकी तो। ओए है भैया इसके नजदीक मत जाइए, इधर खुद को इधर एरो पड़ रहा है और वो भी स्लोनेस वाला। ये लोग स्लो कर करके मारे इससे पहले भाग जाते। ओए इसे भी बातें मत ला लूंगा, जरूर लूंगा। ओए एक बार मेरा बुड्ढा मिल जाए सही। ओए अभी तो यार हमें स्विचर को ढूंढना होगा जैसे भी करके। ओए हमें स्लोनेस का तीर मारते, देखते कितने टाइम तक रहेगा ये। ओए कुछ सेकंड का ही बात है बुड्ढा, फिकर मत कर, कुछ ही सेकंड में अब हम नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ भैया लेकिन कब तक? 4, 3, 2, 1 गो। है चला जा यार जल्दी से स्लोनेस। है गया भैया। और आगे देखिए भैया, इधर तो कुछ उजाला सा है। ओए यार इधर तो कुछ उजाला लग रहा है। ओए इधर दरवाजा वरवाजा कुछ तो है। ओए ये कहीं चुड़ैल का घर तो नहीं बुड्ढा? है भैया कुछ अनाप शनाप मत बोलिए, बस यार बुड्ढा को ढूंढिए अब इधर से। ओए इधर तक आ गए बुड्ढा, अब यार आसपास ही बुड्ढा तो हो रहा ही चाहिए। इधर से तो ज्यादा दूर तक तो नहीं गया होगा। क्या पता भैया यार, इन 24 ने यार हमारे सिचेट बुड्ढा को दौड़ा दौड़ा के यार कुछ दूर तो नहीं पहुँचा दिए। ओए यार जितना दूर भी चला गया होगा लेकिन आसपास ही होगा। ओए चल ऊपर से आवाज देंगे तो जरूर उसको सुनाई देगा। हे तो चलिए भैया आवाज देते। हे सिचेन, ओए बुड्ढा सिचेन। अरे यार सिचेन मैं हूँ क्यों? तेरा भाई तेरे को लेने के लिए आया हूँ। अरे यार भूख भी लग रहा है भैया। ओए भूख को बाहर गोली सिचेन। ओए बुड्ढा यार अभी अभी तूने सिचर का साउंड सुना क्या बुड्ढा? हाँ भैया यार सिचर लगता है आसपास ही है भैया। अरे यार भैया साउंड तो इधर अंदर से आ रहा है लगता है। ओए यार अंदर से क्या? रुक जा अंदर देखते हैं बुड्ढा। ओए यार बुड्ढा हम इधर ही है। ओए अंदर तो कुछ यार घर जैसा है। हे यार लगता है सिचर भैया इसका मतलब अंदर ही है। हे सिचर मेरे भाई तू ठीक तो है ना? ये कौन मारा? ये कौन है? तो हर बाप जिसके घर में आता है बिना पूछे उसी को पूछता है कौन है। ओए तेरा घर ये किधर लिखा है तेरा घर? ओए तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई को किताब करके रखता है तेरी तो ये ले ले। अरे यार इसकी तो ऐसी की तैसी, ये ले मर गया क्या? है यार भैया ये तो सच में मर गया। ओए मरने दे इस कातिया को। ओए यार ये जंगली मोनो बॉय यार इसने ही सिंचन को साथ किताब किया होगा। ओए सिंचन मेरे बुड्ढा तू फिक्र मत कर, इसको मार रहा हमारा बाएं हाथ का खेल है। आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? श्रेक भैया आपको चोटी नहीं लगा? यार कौन है ये श्रेक? है क्या बोल रहा है तू सिंचन? है यार तेरी तो नल्ला फिर से आता है तेरी तो। रुक जाइए अंकल, अंकल श्रीक भैया अब सभी रुक जाइए। है तो तू ठीक है यार सिचैन? ओए रुक जा इसको अभी मैं बैठी करता हूँ। ओए तेरी तो नल्ला इधर आ जा। मारना बंद कीजिए ना। है यार मारना काहे को बंद करे, तेरी तो नल्ला हमें बिना पूछे तू इधर इधर उधर चला जाता है। और यार हाँ पोके इस घर के मालिक। अरे यार कितने बार बोलो ये मेरा घर है। श्रीक भैया ये मेरी प्यारी अंकल ये के लिए। अरे यार पहले दरवाजा बंद करने दे, ये देखो किसे झांक रहा है। ओए तो यार दरवाजा बंद कर दिया, आप बोलो यार इधर आप अकेले रहती हो क्या? और मुझे पसंद नहीं कोई एरा केरा मेरे घर में आए। ओए यार भाई ऐसा क्या हो गया? आप इधर आ जाइए यार कोने में बात करते। और यार सॉरी यार भाई श्रीक भाई आपका जो भी नाम हो। हाँ मेरा नाम श्रीक है। हाँ ओए आपका ये सामान लीजिए यार, आप बिना पैंट के यार बिल्कुल यार नंगे पुंगे लग रहे हो। अरे चुप कर, पहले तो मुझे ही मारते हो फिर बोलते हो ये सब। और पहले ये बताओ ये आर्मर तुम्हें मिला कहाँ से? ओए यार ये हमें हमारे घर से मिला। मतलब कि पहाड़ियों के नीचे वाला घर ना? हाँ वही वाला घर। है वो घर मेरा हुआ करता था और ये आर्मर्स भी। ओए चल चल क्या ही फेंक रहा है, ये हमारा आर्मर है अपना बता रहा है ये तो। ओए सिचर किस एरे गरे के घर में रह रहा है? नहीं अंकल जी अंकल श्रीक भैया मेरे को सही बोल रहे, ये आर्मर उनका ही है और वो घर भी उनको उन गाँव वाले और उन मुखिया ने एकदम धक्के मार के उनको निकल दिया। ओए ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग दिखते ना इसीलिए। ओए सच में क्या है? और उनके सभी सामान भी उन गाँव वालों ने चुरा लिया। और सुनिए ना कहाँ जा रहे हो? भैया आप अचानक से बाहर क्यों आ गए?
ओए बस हो गया बुड्ढा यार, अभी के अभी चल गाँव जाते हैं। अरे भैया लेकिन ऐसे ही क्यों, हम सिंचर को भी नहीं लेकर आए ना। ओए सिंचर को अभी उधर ही छोड़, सिंचर सेफ है, बस अभी मुझे गाँव जाना है बुड्ढा। हे भैया लेकिन बोलिए ना क्यों। ओए यार क्योंकि श्रेय को लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया, बस इसीलिए बाहर निकाल दिया कि वो कुछ अलग दिखता है इसीलिए बुड्ढा। हाँ भैया ये तो है लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं भैया। ओए इसमें करना क्या है बुड्ढा, ओए अभी जाएंगे ऊपर गांव वालों के पास और उस मुखिया के पास, ओए दो चार घुसा और लगाएंगे ओए उनको, और उन्होंने यार उस श्रेय का सभी सामान भी चुराया था, और मुझे जहाँ तक लगता है ना ये सभी ओए जिस जो आर्मर है ना वो मुखिया ने चुरा के छुपाया होगा श्रेय से। हाँ भैया यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, श्रेक ने बोला था ये सभी आर्मर सुस्का है, मतलब कि भैया यार ये घर तो हमें यार मुखिया ने दिया था, मतलब कि मुखिया ने इसी घर में ये सभी आर्मर छुपाया होगा। ओए वही तो मैं बोल रहा था, और मैंने भी यार श्रेक को आदि मानव ऐसे वगैरह वगैरह बोल दिया था, उसका यार दिल कितना दुखा होगा बुड्ढा ये सोचता तू। हाँ भैया ये तो है यार, हमने बिना सोचे यार श्रेक को मार भी दिए और यार उल्टा पुल्टा भी बोल दिए। हाँ ओए श्रेक तो बस यार खुद को बचाना चाहता होगा इसलिए यार उसने हमारे ऊपर हमला किया होगा, लेकिन बुड्ढा हमने उसको मारा वो सब तो ठीक था बुड्ढा, लेकिन इन गांव वालों ने ओए श्रेक को गांव से बाहर क्यों निकाला। ओए मुखिया तेरी तो बाहर निकल कर से, खुद को कुछ ज्यादा ही हैंडसम समझता है क्या तू। हाँ यार और इसीलिए भैया इसीलिए इन लोगों ने हमें यार गांव का बिल्कुल नीचे वाला घर दिया होगा। अरे बिल्ले बखला गया क्या, एकदम क्यों मार रहा तू। अरे तुझे मेरे रहने के लिए नीचे घर दिया था ना, तुझे ऊपर आने को बोला भी किसने, तू मुझे मारता ये ले। ओए तू हमें मारता है आप, तुझे ये ले ओए डल्ले। अरे यार मेरे घर में रह के मेरे को ही मारेगा, तुझे मेरे नीचे रहने के लिए घर दिया था ना, तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ ऊपर आने का। ओए ऊपर नहीं अब तेरे सर में चढ़ेंगे। अरे वाह रे वाह, और ये आर्मर्स तुम लोगों को मिला कैसे, ये तो मेरा था ना। ओए तेरा नहीं श्रेक का बोल। अरे श्रेक के बारे में तुम लोगों को पता कैसे चला, है गांव वालों मुझे बचाओ, ये देखो बिल्ले ये लोग मुझे मारने आए है। अरे मुखिया जी क्या हुआ। अरे मुखिया जी फिक्र मत कीजिए, कौन मारेगा आपको देखता हूँ मैं। हाँ तू बस देख हम इस मुखिया को कैसे मारते हैं। देखा ना कैसे क्या बोल रहा है ये। यार तुम लोगों की बहुत चर्बी चढ़ा है क्या, तुम लोगों को नीचे रहने के लिए बोला था ना, ऊपर आने का हिम्मत भी कैसे हुआ। और पता है ये लोग किसका नाम ले रहे थे, उस मनुष्य ज़ॉम्बी श्रेक का नाम। श्रेक को क्या बोला तूने। ज़ॉम्बी बोला रे। ओए रुक जा अभी खाने दे मेरे को, अब तुझे ऐसे घुसा मारूंगा ना मैं। क्या रे उस ज़ॉम्बी श्रेक का लगता है ये लोग दोस्त थे। अरे यार आपने इन लोगों को रहने के लिए घर ही क्यों दिया, इनका औकात ही क्या है। अब दिखाऊंगा इनका औकात, जिस तरीके से श्रेक को मारा था इसको भी मारेगा। ओए श्रेक जैसा सोचो क्या, मर गया भैया ये गांव वालों मुखिया मर गया, दो बिल्ले ने गांव वालों मुखिया को मार डाला। है यार भैया भागी इधर से। ओए चल चल के, ओए कोई भी नीचे आने का हिम्मत किया ना गांव वालों, किसी को छोड़ूंगा नहीं। है यार भैया लेकिन अभी तो हमें भागना होगा, हमने मुखिया को मार दिया वो भी गांव का भैया, यार अभी पूरे के पूरे गांव हमारे पीछे आने वाले। ओए आने दे एक एक को छोड़ूंगा नहीं। अरे यार भैया इस घर में रहने का ही क्यों, इधर तो वो लोग पक्का आएंगे। अरे यार भैया भाग चलते श्रेक के घर में। ओए चल, और श्रेक को ये खुशखबरी दे देते है की हमने उसका बदला ले लिया बोल के। भैया बदला ले लिया बोलेंगे तभी जब यार हम सही सलामत पहुँचेंगे श्रेक के घर तक। ओए पहुँचेंगे जरूर, कौन आएगा पीछे, ओए सभी को मार डालूंगा बुड्ढा तू फिकर मत कर। ओए चल पहले देख बुड्ढा हमारा बोर्ड किधर है। हे भैया इस तरफ नहीं दूसरी तरफ है, वो देखिए बोर्ड भैया, जल्दी से बोर्ड पकड़ के चलते है इधर से। ओए यार वो भी जल्दी चलना होगा। ओए बहुत जल्दी से रिवर्स गियर मार ले और ले जाओ हमें श्रेक के घर तक। ओए श्रेक मेरे भाई तेरा बदला हमने ले लिया। हाँ भैया उस मुखिया ने सोचा होगा श्रेक की तरह वो भी हमें मार के भगा देगा, लेकिन भैया यार उसने पहले मारा था इसलिए हमने एक ही झटके मारा तो वो मर गया, इसमें हमारा कोई गलती भी नहीं है। ओए बिल्कुल सही बोला तूने बुड्ढा, अगर कोई आएगा ओए इंसाफ मांगने के लिए उसको ओए मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे दूंगा, तू फिक्र मत कर, बस अब श्रेक के घर जाने का एकदम आज पार्टी करने का। हाँ तो दोस्तों और इसी सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो पहले वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।